जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी खैरियत से होंगी, ठीक ठाक होंगी। आज का जो हमारा सेशन है वो इस चीज़ के ऊपर है कि हम लोग अपने टाइम को किस तरह से मैनेज करें, हम ऐसा कौन सा बिज़नेस करें जिसकी वजह से हम लोग जो है ना वो आगे कामयाब हो जाएं, और ऑनलाइन बिज़नेस जो है वो फेक होते हैं या रियल होते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये है कि हम लोगों ने किसकी लाइन को ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है, जिसकी वजह से जो है ना हमें अच्छी जो है वो स्पॉन्सर मिल जाए और अच्छी जो है ना वो गाइड करने वाले लोग मिल जाएँ, ठीक है। ऐसे कौन से लोग हैं जिनको आप ज्वाइन करें, ठीक है। आप अपने टाइम को किस तरह से मैनेज कर सकती हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है ना आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप सब ने ट्रेनिंग को जो है ना वो लास्ट तक सुनना है, ठीक है, ताकि हर चीज़ आपको क्लियर हो जाए। सबसे पहले बात आ जाती है टाइम मैनेजमेंट की। टाइम मैनेज करना आप सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हम सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपको टाइम मैनेज करना नहीं आ रहा तो डेफ़िनेटली ना तो आप अपनी स्टडी कर सकते हैं, ना आप अपने घर को संभाल सकते हैं। अगर आप जॉबियन हैं तो आप अपनी जॉब के साथ साथ जो है ना एज अ पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब यह है कि टाइम मैनेज करना जो है वो सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सबसे पहले तो बात ये करते हैं कि हमारे पास जो है ना वो 24 घंटे होते हैं, ठीक है। टोटल हमारे पास 24 घंटे हैं, और अब हमने 24 घंटे को हमने डिवाइड करना है कि हम किस तरह से अपने टाइम को मैनेज करें, ठीक है। आप इस तरह से अंदाज़ा लगा लें कि हमारे पास 24 घंटे होते हैं, ठीक है। 24 घंटे में से 7 घंटे जो है ना वो चलें इस तरह से कर लेते हैं कि 7 घंटे जो है ना वो कोई भी लड़की है, ठीक है, चाहे वो जॉबियन है, हाउस वाइफ है या स्टूडेंट है, वो सोती है, ठीक है। 7 घंटे सोना होता है, ठीक है। 7 घंटे आपने जॉब करनी होती है, ठीक है। अगर आप जॉबियन हैं तो आपने जॉब करनी है, अगर आप हाउस वाइफ हैं तो आपने अपने घर को भी देखना होता है, बच्चों को भी देखना होता है, ठीक है, काम भी करना होता है, वो 7 घंटे में आप कर सकती हैं, ठीक है। 14 घंटे ये हो गए, बाकी हमारे पास जो है ना पीछे जितने घंटे रह गए, ठीक है, उनमें से 3 घंटे आप निकाल लें खाना खाने वाले, ठीक है, कि आपने नाश्ता करना है, उसके बाद आपने लंच करना है, फिर आपने डिनर करना है, ठीक है। 3 घंटे जो है ना ये आप खाने वाले निकाल लें, ठीक है। 14 और 3 17, ठीक है, 17 ये हो गए। अब हमारे पास रह गए पीछे जो है ना हमारे पास 6 या 7 घंटे जो है ना हमारे पास रह गए, ठीक है। इन 6-7 घंटों में हमने ये देखना है कि हम इनको कहाँ पे वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर तो हमने 3 घंटे या 2 घंटे जो है ना वो आप फैमिली के लिए निकाल सकते हैं कि चलें फैमिली के साथ बैठना है, बातचीत करनी है, ठीक है, दिन की जो डिस्कशन होती है, ठीक है, वो आपने 2 घंटे करनी है, ठीक है। चलें 2 घंटे जो है ना फैमिली के साथ काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ठीक है, 2 घंटे आप वो निकालें। पीछे आपके पास रह गए अगर 7 घंटे थे तो 2 घंटे निकाल के 5 घंटे रह गए, ठीक है। 5 घंटे में 1 घंटा जो है ना वो आप निकाल लें टिकटॉक देखने के लिए, ठीक है, उसके बाद जो है वो आप इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग के लिए निकाल लें, एक फेसबुक को यूज़ करने के लिए निकाल लें, ठीक है, स्नैपचैट को आप यूज़ करते हैं, या आप कोई भी सोशल मीडिया पे जहाँ पे आप अपना टाइम वेस्ट करते हैं वो 1 घंटा आप निकाल सकती हैं कि आप इसको वेस्ट करें, ठीक है। फिर भी आपके पास जो है वो 4 घंटे रह जाते हैं, कि आप इन 4 घंटों को कहाँ पर यूज़ करें, ठीक है। आप इस तरह से कर सकती हैं कि ये जो 4 घंटे रह गए, ठीक है, इन 4 घंटों को आप अपने स्किल्स के ऊपर काम करें, ठीक है। इन 4 घंटों में अगर आप स्किल्स के ऊपर काम कर लेती हैं तो इसका आपको ये फ़ायदा होगा कि आपकी जो है ना वो अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, आपको पैसे कमाने का मौका मिल जाएगा, ठीक है, आप पैसे कमाने लग जाएंगे, आप अपनी फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, ठीक है, उन लोगों के लिए आप सपोर्ट बन जाएंगी, ठीक है। जाहिर सी बात है जब आप पैसे कमाएंगी तो आप उनका जो है ना वो कंधे से कंधा मिला के चलेंगी, ठीक है। तो ये जो 4 घंटे ना जिसमें आपने समझे कुछ भी नहीं करना होता, ठीक है, इन 4 घंटों को आप अपनी स्किल्स के ऊपर लगाएं, ठीक है। ये जो काम है ये हाउसवाइफ्स भी कर सकती हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स भी कर सकती हैं और जॉबियन भी कर सकती हैं, ठीक है। मैं भी हाउसवाइफ हूँ, हमारी जो फैमिली है वो जॉइंट फैमिली है, ठीक है, उसके बावजूद भी सारा घर का काम भी करती हूँ, ठीक है, उसके बाद जो है वो फैमिली के साथ गैदरिंग भी होती है, अच्छा आउटिंग के लिए भी जाती हूँ, शॉपिंग भी करती हूँ, मतलब सारा काम करने के बाद फिर भी मेरे पास जो है ना काफ़ी ज़्यादा टाइम बच जाता है कि मैं अपने बिज़नेस को दूँ, ठीक है। और आपने भी अक्सर देखा होगा कि इंस्टाग्राम पे मैं एक्टिव होती हूँ, ठीक है, उसके बाद स्नैपचैट पे मैं एक्टिव होती हूँ, टिकटॉक पे मैं एक्टिव होती हूँ, व्हाट्सएप पे मैं एक्टिव होती हूँ। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मुझे घर का काम नहीं है या मैं कोई काम नहीं करती, बल्कि ये है कि मुझे टाइम मैनेज करना आता है, ठीक है, कि मैं अपने बिज़नेस को जो है ना फर्स्ट प्रायोरिटी देती हूँ, ठीक है, अपने बिज़नेस को मैं फर्स्ट पे रखती हूँ कि पहले मेरा बिज़नेस है, उसके बाद जो है ना वो सारी चीज़ें, ठीक है। अगर हम एक ही चीज़ को लेके बैठ जाएंगे, टिकटॉक को लेके बैठ जाएंगे, तो उसके ऊपर तो इतना आपको पता है कि इतना कुछ ज़रूरी होता नहीं है कि हम लोग उसको देखते रहें, ठीक है। चलें ये है कि थोड़ा बहुत टाइम जो है ना, चलें ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा जो है ना आप उसको दे दें, ठीक है, आप नाच गाना देखें, आप जो है वो व्लॉग्स देखें, ठीक है, कुछ भी आप मतलब अपनी मर्ज़ी से देख सकते हैं, ठीक है, वो भी एक इन्जॉयमेंट के लिए, चलें अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए आप लोग देख लें, उसके बाद इंस्टा को देख रहे हैं तो वो भी आप देखते रहें, ठीक है। लेकिन 1 घंटा रखें इन सोशल मीडिया को यूज़ करने के लिए, बाकी जो आपका टाइम है वो आप अपने लिए यूज़ करें, ठीक है। आपका करियर बन जाएगा, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी,
आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, आपका बैंक बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, आप एक ऐसी औरत बन जाएंगी, ऐसी आप जो है वो बिजनेस लेडी बन जाएंगी कि जिसको देख के जो है ना लोग खड़े होंगे, ठीक है, जिसको देख के जिसकी कोई इज्जत होगी, ठीक है, जिसको लोग इज्जत से बुलाएंगे। अगर आप आज अपना टाइम वेस्ट कर लेती हैं, जो आपके पेरेंट्स ने आपके लिए इतना टाइम लगाया, इतना पैसा लगाया, ठीक है, इतनी उनकी ख्वाहिशात थी कि मेरी जो बेटी है वो इतनी पढ़ लिख ले कि अपने लिए कोई काम कर ले, ठीक है, कोई काम सीख ले, उसका कल जो है वो संवर जाए, मुस्तकबिल संवर जाए, तो आप इस काम को जो है ना वो इन 4 घंटों को यूटिलाइज़ करके आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकती हैं, ठीक है। ये तो हो गया टाइम टेबल की बात, और आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि टाइम टेबल को कैसे सेट करना है, ठीक है। आज से ही लेके अपनी एक डायरी ले, ठीक है, और उसके ऊपर जो है ना अपना पूरे दिन का जो है ना वो रूटीन लिखें कि मैं क्या क्या करती हूँ और मैंने क्या क्या करना है, ठीक है। आजकल रमज़ान है, लेकिन रमज़ान में भी आप ये चीज़ कर सकती हैं कि जो मैंने आपको बताया कि 7 घंटे जो है ना वो आपने काम करना है, ठीक है, तो 7 घंटे में से आप इबादत भी करें, नमाज़ भी पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, ठीक है, उसके बाद मतलब जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं वो आप करें, ठीक है। मतलब ये नहीं होता कि आप बिज़नेस कर रही हैं तो आपने नमाज़ नहीं पढ़नी या कुरान पाक नहीं पढ़ना या आपने जो है वो फैमिली से दूर हो जाना है, ये काम नहीं करना, बल्कि सबको जो है ना वो साथ लेके चलना है, ठीक है, ताकि हर बंदा जो है ना वो आपकी फैमिली आपकी जो गैदरिंग है उससे आप गैदरिंग को इंजॉय भी करें, ठीक है, और उसके बाद यह है कि आपको मौका भी दे के आप जाके अपना काम कर सकती हैं, ठीक है। जब आप हर बंदे को टाइम देंगी तो हर बंदा फिर आपको सपोर्ट करेगा। अगर आप एक ही काम को लेकर चलती रहेंगी ना, फिर ना तो लोग आपको सपोर्ट करेंगे, बल्कि उल्टा जो है ना वो आपका मजाक उड़ाएंगे, ठीक है, बातें करेंगे, तनकीद का निशाना बनाएंगे, ठीक है, और आपको डीमोटिवेट करेंगे। आपने ये जो अपने 4 घंटे जो है ना वो आपने सेट करके रखे, इनमें आप ऐसा कौन सा काम करेंगी कि आपकी जो है ना वो लाइफ सेट हो जाए, ठीक है। इन 4 घंटों को आपने कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, ठीक है, ये डिसाइड करना आपका काम है, ठीक है, कि आपने ऐसा कौन सा काम करना है। क्या आपने कोई ऐसा काम करना है जो कि इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट हो, या कोई ऐसा काम करना है जो ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट हो, ठीक है, ये आपने खुद डिसाइड करना होता है, ठीक है। इसके लिए आपको चाहिए कि आप एक हफ़्ता रखें, ठीक है, उस एक हफ़्ते में जो है ना आप सर्चिंग करें गूगल के ऊपर, यूट्यूब पर, ठीक है, आप सर्चिंग करें कि आप ऐसा कौन सा काम कर सकती हैं जिससे आपके ये 4 घंटे भी स्पेंड हों, ठीक है, और इन 4 घंटों में जो है ना आपकी लाइफ सेट हो जाए, ठीक है, मतलब इन 4 घंटों से ज़्यादा आपको टाइम ना देना पड़े, ठीक है। ये आपने सर्चिंग करनी है अपने लिए, एक हफ़्ता जो है ना आप रखें कि आपने एक हफ़्ते में सर्चिंग करनी है और अपने लिए डिसाइड लेना है, डिसीजन लेना है अपने लिए कि आप ऐसा कौन सा काम कर सकती हैं, ठीक है। पाकिस्तान में आजकल जो काम चल रहे हैं, अगर कोई ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से काम चल रहा है तो वो भी आपके सामने है, ठीक है, जैसे कि ओरिफ्लेम। डेफिनेटली मैं ओरिफ्लेम के साथ काम करती हूँ तो मैं ओरिफ्लेम को ही रिकमेंड करूँगी, ठीक है, क्योंकि मैं 2 साल से काम कर रही हूँ और मुझे जहाँ पे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, जिस काम में मुझे फ़ायदा हो रहा है मैं आगे भी उसको रिकमेंड करती हूँ कि लोग भी इसको ज्वाइन करें, ठीक है। ओरिफ्लेम का जो काम है वो ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट होता है, ठीक है, जहाँ पे आपको कोई पैसे नहीं लगाने पड़ते, जहाँ पे आपने जो है ना मतलब आपके कोई जेब से कुछ नहीं जाता, ठीक है, जहाँ पे सिर्फ आपकी स्किल्स काम आती हैं, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका जो है ना वो टाइम लगता है, तब जाके आपकी लाइफ भी सेट हो जाती है, आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है, आपकी जो अर्निंग है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, और आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, ठीक है। पाकिस्तान में बाकी जो प्लेटफॉर्म हैं, ठीक है, जो कि कुछ जो है वो 500 से स्टार्ट हो रहे हैं, कुछ 750 से स्टार्ट हो रहे हैं, कुछ जो है वो हैवी इन्वेस्टमेंट जहाँ पे लगती है जो कि 60,000, 80,000, 1,00,000 इस तरह से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ जो मैंने सीखी है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो ये है कि जो चीज़ पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट होती है उसकी जो लाइफ है ना वो लॉन्ग लास्टिंग वाली नहीं होती, ठीक है, वहाँ पे वो ज़्यादातर जो है ना वो स्कैम होता है, ठीक है। अब कौन कौन सी कंपनीज़ हैं जो कि स्कैम है वो मुझे पता है, लेकिन यह है कि मैं उनको मेंशन नहीं करूँगी, ठीक है, ये चीज़ आप लोग खुद जाके गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं और यूट्यूब पे भी देख सकते हैं कि ऐसी कौन सी कंपनीज़ हैं जो कि स्कैम है, ठीक है। और आप अगर आज से जो है ना 20 साल पहले, 15 साल पहले चले जाएँ, ठीक है, और जाके हिस्ट्री चेक करें तो आपको ऐसी बहुत सी कंपनीज़ मिलेंगी जो कि इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट हुई थी और आज उनका कोई नामो निशान नहीं है, ठीक है। और ओरिफ्लेम के बारे में अगर आप जाके सर्चिंग करें तो आपको पता चलेगा कि इसको 55 ईयर्स हो गए पूरी दुनिया में काम करते हुए, 65+ कंट्रीज़ में ये काम कर रही है, और ये है कि पाकिस्तान में भी ये 2009 से काम कर रही है, ठीक है। ये ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट होती है और इसके साथ जो है ना बहुत ज़्यादा लोग ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, और इसके साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपने कौन सी कंपनी को जो है वो ज्वाइन करना है, ठीक है, और कैसे ज्वाइन करना है, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आप जाके गूगल पे और यूट्यूब पे एक हफ़्ता जो है ना वो आप लगाएं, सर्चिंग करें कि आपने
कौन से प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना है, ठीक है। ये जो डिसीजन है ना, ये आपका होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने ये डिसाइड कर लिया है कि आप ओरिफ्लेम को ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप ओरिफ्लेम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए फिर आपके पास स्किल्स भी होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जो कि ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट हो रहा है, जिससे आपकी लाइफ जो है वो चेंज हो जाती है, तो डेफिनेटली इसमें काम करने के लिए भी स्किल्स की ज़रूरत होगी, ठीक है। ये नहीं होगा कि आप ज्वाइन करें तो आपके पास जो है ना वो पैसे आना शुरू हो जाएं, ठीक है। या फिर ये भी नहीं होता कि जो लड़की आपको ज्वाइन करवा रही है, जो स्पॉन्सर आपको ज्वाइन करवा रही है, अगर उसने एक ऐड लगाई हुई है कि जी यहाँ से 50,000 रुपये मिल रहा है या 60,000 या 80,000, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपकी ज्वाइनिंग के साथ ही आपको 60-70,000 मिल जाएगा, ठीक है। जाहिर सी बात है, उसको अगर 50,000 या 60,000 मिला हुआ है तो उसके पीछे उसकी मेहनत हुई होगी, ठीक है, उसकी स्किल्स होंगी, ठीक है, जिनके ऊपर वो काम करके अपना पैसा कमाती होगी। तो आपने भी इस माइंडसेट के साथ नहीं ज्वाइन करना होता कि मैं भी ज्वाइनिंग के साथ ही जो है ना वो पैसे कमाना शुरू कर दूंगी, बल्कि आपने ये सोचना होता है कि पहले मैं ज्वाइन करूंगी, उसके बाद मैं अपनी स्किल्स को पॉलिश करूंगी, तो ही जाके मुझे जो है वो कामयाबी मिलेगी, ठीक है जी। यहाँ पर मैंने आपको दो काम बताए, ठीक है। एक काम ये है कि आपने जो है वो टाइम टेबल सेट करना है, ठीक है, कि आपने कौन सा टाइम जो है वो अपने काम को देना है, ठीक है। सेकंड काम आपने ये करना है कि आपने यूट्यूब पे सर्चिंग करनी है और गूगल पे सर्चिंग करनी है कि आपने कौन से प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना है, ठीक है। ये दो काम आपने कर लिए। दो काम करने के बाद आपने जिस प्लेटफॉर्म के बारे में भी सोचा है कि मैं इसको करना चाहती हूँ, ठीक है, मतलब इस प्लेटफॉर्म के साथ मैं ज्वाइन करना चाहती हूँ, आपने ये सोच लिया। अब सोचने के बाद आपने करना यह है कि आपने किसी लड़की के पास नहीं चले जाना है कि मैंने ये काम करना है तो आप मुझे बताओ, बल्कि आपने ये करना है कि आपने एक हफ्ता और लगाना है, ठीक है, गूगल के ऊपर आपने उस प्लेटफॉर्म के बारे में सर्चिंग करनी है, ठीक है, पढ़ना है उसके बारे में कि ये प्लेटफॉर्म आपको क्या दे रहा है, ठीक है, क्या वाकई कुछ दे रहा है या फिर वैसे ही मैंने सुना है, क्या वाकई इसका कोई बिजनेस प्लान है, क्या वाकई इसकी अर्निंग क्या है, इसका पोर्टफोलियो क्या है, इसका क्राइटेरिया क्या है, क्या ये बिजनेस है, जॉब है, क्या यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है या नहीं है, यहाँ पे कितने लोग कामयाब हुए हैं, ये कंपनी कब से चल रही है, ठीक है, इसकी कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, इसका क्या पोर्टफोलियो है, ठीक है, और इसके साथ ऐसे कौन से लोग हैं जो कि कामयाब हैं, जो कि एक्टिव हैं, मार्केट में एक्टिव हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना ये आपने एक हफ्ता लगा के सीखनी है, ठीक है। आपने खुद अपनी आंखों से इन चीज़ों को पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि आजकल आपको पता है कि गूगल जो है ना उस पे मतलब हर वो चीज़ होती है जो कि हम सोच रहे होते हैं, हर वो चीज़ होती है जो कि हमारी सोच भी नहीं होती, ठीक है। तो आपने वहाँ से उस चीज़ के बारे में लर्निंग करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने गूगल से भी यही सीखना है कि आप जिस कंपनी के साथ काम करने जा रहे हैं वो कंपनी कैसे काम करवाती है, उस कंपनी में क्या करना पड़ता है, क्या करेंगे तो आपको पैसे मिलेंगे, ये सारी चीज़ सीखना आपका काम है, ठीक है। आप बजाय इसके कि लड़कियों के पास जाएं, वहाँ पे जाके आप उनसे पूछें, क्योंकि हर लड़की का बताने का जो स्टाइल है वो चेंज होता है, ठीक है। क्या पता आप किसी लड़की के पास जाएं, आप उसे जाके पूछें और आपको समझ ही ना आए कि ये क्या कह रही है, ठीक है, आप उसकी बात को अंडरस्टैंड ही ना कर पाएं। तो इसलिए बेहतर है कि बजाय इधर उधर जाने के आप पहले खुद जाके सर्चिंग करें, ठीक है, अच्छी तरह से सर्चिंग करें, उसको रीड आउट करें, उसके प्लान के बारे में, उसका सक्सेस प्लान क्या है, उसकी क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, हर चीज़ के बारे में खुद रीड करें, ठीक है। उसके बाद जो है ना फाइनल स्टेप जो आपने लेना है वो ये होगा ज्वाइनिंग का, ठीक है। अब बात आ जाती है ज्वाइनिंग की, ठीक है, कि अब आपने ज्वाइनिंग करनी है जो कि आपका चौथा स्टेप होगा, ठीक है। अब आप ज्वाइनिंग करने के लिए जा रहे हैं लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आप किसको ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। ज्वाइनिंग आपने हमेशा उन लोगों की लाइन में आपने ज्वाइन होना होता है जो लोग एक्टिव होते हैं मार्केट में, ठीक है, जिनको मार्केट का पता होता है कि मार्केट में क्या चल रहा है, ठीक है, कैसे कैसे लोग आ रहे हैं, कैसे लोग जा रहे हैं, ठीक है, कंपनी क्या दे रही है, कंपनी का क्राइटेरिया कैसे लोगों को समझाना है, ये सारी चीज़ें उनको पता हों, ठीक है। आपने उन एक्टिव लोगों को ज्वाइन करना होता है, ठीक है। ये एक्टिव लोगों की बात मैं इस वजह से कर रही हूँ कि कुछ ऐसी लड़कियाँ भी होती हैं, ठीक है, जिनको आप जाके ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। और ज्वाइनिंग के बाद ये है कि काफ़ी ज़्यादा लड़कियों की मेरे पास जो है जितनी कंप्लेंट्स आई हैं, सारी लड़कियाँ ये आके कह रही होती हैं कि हमें जो मेरी स्पॉन्सर है वो मुझे गाइड ही नहीं कर रही, ठीक है, वो मुझे सही तरह से बता ही नहीं रही है, मुझे रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही, ठीक है, वो हर टाइम ऑफलाइन होती है, ठीक है, इस तरह से जो है ना मतलब काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ आपको फेस करने पड़ते हैं। तो डेफिनेटली आपने जब इतनी मेहनत करने के बाद आपने ज्वाइन किया है तो आपका भी राइट बनता है कि आपको जो है ना वो अच्छे तरीके से गाइड किया जाए और आपको आगे जो आपकी वर्किंग स्टार्ट करवाई जाए, ठीक है। अगर आप वर्किंग वाकई स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर आप वाकई सब कुछ आप जो है वो रीड करके आ गए हैं, ठीक है, आपको पता चल गया है कि आपने क्या करना है, कैसे करना है, तो उसके लिए फिर ये ज़रूरी है
कि आप किसी ऐसी लड़की को ज्वाइन करें, ठीक है, जिसका अकाउंट जो है वो एक्टिव हो, ठीक है, सोशल मीडिया के ऊपर वो एक्टिव हो, जो मार्केट में एक्टिव हो, जिसको एक्सपीरियंस हो, ठीक है, जो बेशक 5 साल, 10 साल, 3 साल, 4 साल से काम कर रही हो, ठीक है। अगर आप किसी ऐसी लड़की को ज्वाइन करेंगे जिसको अभी 1 मंथ ही हुआ है, तो डेफिनेटली उसको नहीं पता होगा कि वो आपको कहाँ लेके जाएगी, ठीक है। या फिर कोई ऐसी लड़की भी होती है जो कि बहुत ज़्यादा पैशनेट होती हैं लड़कियाँ, ठीक है, आप उनके साथ भी ज्वाइन कर सकती हैं, जिनको जैसे कि 2 माह हुए हैं, 3 माह हुए हैं, ठीक है, आप उनके साथ ज्वाइन कर सकती हैं, क्योंकि अगर वो 3 माह लगा रही हैं तो डेफिनेटली वो कुछ करने के लिए लगा रही हैं, ठीक है, उनके पास पोटेंशियल है, उनके पास एनर्जी है काम करने की और आपको काम करवाने की, ठीक है, आपको अपने साथ चलाने की उनके अंदर जो है वो एनर्जी है, तो आप उनके साथ भी ज्वाइन कर सकती हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो है ना, एक चीज़ और आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ कि आप जब भी कोई बिज़नेस स्टार्ट करें, ठीक है, आपने जैसे कि आपने किसी बिज़नेस के बारे में पढ़ा कि ये बिज़नेस क्या है और कैसे आपको पैसे देता है, ठीक है, तो आपने उसका इन्वेस्टमेंट प्लान भी आपने उसका रीड करना है, ठीक है, कि इन्वेस्टमेंट अगर मैं यहाँ पर कर रही हूँ तो क्यों कर रही हूँ, पैसे मुझे वापस कब मिलेंगे, ठीक है। अगर आपके पास पैसे नहीं है, डेफ़िनेटली किसी के पास पैसे नहीं होते, ठीक है, कि वो अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सके। अगर आपके पास पैसे होते तो फिर आप अपना ऑफलाइन बिज़नेस स्टार्ट कर सकती थी, लेकिन अगर आप ऑनलाइन काम ढूंढ रही हैं तो उसके लिए आपके पास पैसे नहीं होंगे, तभी आप ऑनलाइन काम ढूंढ रही हैं, ठीक है। और ऑनलाइन काम जो है वो आजकल ट्रेंडिंग पे है, हर बंदा जो है ना वो ऑनलाइन काम के साथ कनेक्ट हो रहा है और होने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब आपने ये करना है कि कोशिश आपने ये करनी होती है कि आप ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट लें, ठीक है, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से आप स्टार्ट लेंगे, जब आपके पास पैसे आ जाएंगे, जब आपके पास आप मतलब 3-4 साल जो है ना उस बिज़नेस को दे देंगे, ठीक है, आपके पास काफ़ी अच्छी अमाउंट आ जाएगी, ठीक है, तो आप अपनी मर्ज़ी से जो है ना उन पैसों से फिर आप कोई और बिज़नेस जो है वो स्टार्ट कर सकती हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप ऑफलाइन कोई बिज़नेस स्टार्ट कर सकती हैं, या फिर आप चाहें तो कोई ऑनलाइन भी स्टार्ट कर सकती हैं, लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो आप कोशिश करें कि आप ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट लें, ठीक है, ताकि उसमें जो है कि आपकी फैमिली के ऊपर भी बर्डन ना पड़े, ठीक है, क्योंकि अक्सर लड़कियां होती हैं कि जो अपनी फैमिली को जाके कन्विंस कर रही होती हैं कि हम कोई बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑनलाइन, ठीक है, तो आप हमें पैसे दें, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ठीक है, बाद में ये होता है कि जी हमें हमारे साथ तो स्कैम हो गया, फ्रॉड हो गया, हमारे कोई पैसे लेके चला गया, ठीक है। तो इन चीज़ों से निकलने के लिए और इन चीज़ों से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट लें, ठीक है, और अपना जो फोकस है वो अपनी लर्निंग पे रखें, ठीक है, उसके बाद अपनी स्किल्स पे काम करें, साथ साथ अर्निंग करें, ठीक है, जब आपके पास हैवी अमाउंट आ जाए, ठीक है, जब आपको 1.5-3 साल जो है ना वो हो जाए, उसके बाद जो है ना वो फिर आप इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टमेंट के बिज़नेस होते हैं उनकी तरफ आप मूव कर सकते हैं। चलें जी, अब हम बात कर लेते हैं ऐसे बिज़नेस की, ठीक है, कि जिसको आप ज्वाइन करना चाहती हैं, ठीक है, लेकिन आपको वहाँ पे कामयाबी कैसे मिलेगी, ठीक है, आप वहाँ पे क्या काम करेंगी ऐसा, या आप कितना अरसा वहाँ पे लगाएंगी तो आपको कामयाबी मिलेगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप ओरिफ्लेम को ज्वाइन करना चाहती हैं, ठीक है, आपने कोई भी एक लड़की है, ठीक है, उसकी आपने ऐड देखी, ठीक है, और उस ऐड के ऊपर जो है ना उसने लिखा हुआ था कि जहाँ से आपको 4,40,000 रुपये का कैश अवार्ड मिल सकता है, ठीक है, उसने ये ऐड लगाई हुई थी, उसके साथ उसने लिखा हुआ था कि जी जहाँ पे नो इन्वेस्टमेंट है, फ्री रजिस्ट्रेशन है, फ्री ट्रेनिंग है, मतलब सब कुछ उसने जहाँ पे मेंशन किया हुआ था, ठीक है, आपने ऐड देखी, आप बहुत ज़्यादा जो है ना वो इंप्रेस हुई थी, वाकई यार यहाँ से बहुत कुछ मिलता है तो मुझे भी इसको ट्राई करना चाहिए, ठीक है, आपने उसको ज्वाइन कर लिया। ज्वाइनिंग के बाद ही लड़कियाँ ये मिस्टेक करती हैं, जो बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, कि अच्छा मैंने ज्वाइन तो कर लिया, अब मुझे पैसे कब मिलेंगे, ठीक है, वो ये सोच रही होती हैं कि बस हमने ज्वाइन कर लिया, ठीक है, और हमें ट्रेनिंग ग्रुप में ऐड कर दिया गया तो अब हमें जो है ना पैसे मिलना स्टार्ट हो जाएं, जैसे इसको 4,40,000 मिले थे, ठीक है। आपने यही जो है ना, ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि हम लोग जो है ना वो अपनी तरफ से ये सब कुछ सोच लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं, ठीक है, आपने ये मिस्टेक नहीं करनी होती, ठीक है। आप ये सोचें कि जो बिज़नेस होते हैं ना वो कभी भी एक दिन में खड़े नहीं होते, ठीक है, बिज़नेस करने के लिए आपको एक हैवी अमाउंट की ज़रूरत होती है, उसके बाद आपकी मेहनत होती है, मतलब पूरा जो है ना वो सेटअप होता है, ठीक है। लेकिन जो कंपनी आपको ये मौका दे रही है कि आप यहाँ पे ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करें, सिर्फ आप यहाँ पे अपना टाइम लगाएं और टाइम के बाद जो है ना आप एक अच्छी इनकम कमा रही होंगी, ठीक है, तो फिर आपको भी इस माइंडसेट के साथ जो है ना उस बिज़नेस को ज्वाइन करना चाहिए कि मेरे पास जो है वो काफ़ी टाइम है, ठीक है, मैं इस बिज़नेस में काम करूँगी, मेहनत करूँगी, पैशनेट होकर काम करूँगी, फुल एनर्जी के साथ काम करूँगी, ठीक है, जिस तरह से इस बंदी ने 4,40,000 कमाया है उस तरह से मैं भी यहाँ पे इस तरह से काम करूँगी कि मुझे भी यहाँ से इसी तरह से अर्निंग आए, ठीक है। अब बजाय इसके कि खुद इमेजिन करने के, आप उस लड़की से जाके पूछ भी सकते हैं कि ये आपने कितने अरसे में ये कमाया है, ठीक है, आपने यहाँ पे क्या क्या मेहनत की, आप यहाँ पे कितनी मुश्किलात का आपने सामना किया है, ये सारी स्टोरी जब आप उससे सुनेंगे, ठीक है, तो आपने यही सोचना होता है कि अच्छा मेरे साथ भी यही सब होगा, तो मैंने यहाँ पे साबित कदम रहना है, मैंने यहाँ पे सब्र करना है, ठीक है, मेहनत करनी है, सब्र करनी है, तो ही जाके मुझे जो है ना वो
कामयाबी मिलेगी। ठीक है, इस तरह से नहीं होता कि ज्वाइनिंग के बाद ही जो है ना वो आपको कामयाबी मिलना शुरू हो जाए। जाहिर सी बात है, आपको ठोकरें खानी पड़ती हैं, आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, आपको लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं, तनकीद का आपने सामना करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें होने के बाद जो है ना वो फिर कामयाबी मिलती है। और जो चीज़ आसानी से मिल जाए ना, उस चीज़ का मज़ा भी नहीं आता। ठीक है, जो चीज़ आहिस्ता आहिस्ता आपको मिले, ठोकर खाने के बाद मिले, उस चीज़ का जो है ना वो अलग ही मज़ा होता है और उस चीज़ का अलग ही सुकून होता है। जब हम बात कर लेते हैं कि कुछ ऐसी लड़कियाँ भी होती हैं, ठीक है, जो कि बहुत अरसे से काम कर रही होती हैं, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी लड़कियां जो ओरिफ्लेम के साथ जो है ना वो 2 साल से काम कर रही हैं, 3 साल से, 5 साल से, 10 साल से, ठीक है, और वो एक ही जगह पे स्टक होती हैं। ठीक है, वो ये कह रही होती हैं कि जी हमारी ग्रोथ नहीं हो रही, हमारे टाइटल्स नहीं हो रहे, ठीक है, हमारी सेलिंग नहीं हो रही, हमारे से कस्टमर नहीं बन रहे, ठीक है, हम लोग स्टेटस भी लगाती हैं, हम लोग ये भी करती हैं, वो भी करती हैं, ठीक है, तो हम लोग जो है ना वो किस तरह से काम करें कि हमारी जो है वो अर्निंग स्टार्ट हो जाए और हमारे जो है वो टाइटल्स स्टार्ट हो जाएँ। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो ये चीज़ होती है स्किल्स के ऊपर। ठीक है, कि आपकी आपके पास कितनी स्किल्स हैं। ठीक है, अगर आपके पास जो है वो स्किल्स हैं तो ही आप काम कर सकती हैं। ठीक है, ऑनलाइन बिजनेस के लिए ये ज़रूरी होता है कि आपने आपकी जो स्किल्स हैं ना वो पॉलिश्ड होनी चाहिए। ठीक है, आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, आपकी सोच जो है ना वो ऐसी होनी चाहिए, सोच के जिसको देख के वाकई लगे कि वाकई आप कोई ऐसा बिजनेस कर रही हैं या ऐसा आप प्रोफेशनल काम कर रही हैं जो कि वाकई बहुत अच्छा है। ठीक है, जो कि आपका जो काम है वो आपके नाम से बचाना चाहिए। ठीक है, आपका नाम उस काम में होना चाहिए। ठीक है, वरना कुछ ऐसी लड़कियां होती हैं जो 10 साल से काम कर रही हैं, जो 5 साल से कर रही हैं, जो 3 या 2 या 1 साल से काम कर रही हैं। ठीक है, उनका जो कॉन्सेप्ट है ना वही क्लियर नहीं होता। ठीक है, उनको यही नहीं पता होता कि हमें जो कंपनी गिफ्ट्स दे रही है वो कैसे देती है। ठीक है, उसका क्या क्राइटेरिया है, अगर हमें जो है वो जहाँ पे अर्निंग मिलती है, टाइटल्स होते हैं, उनका क्या क्राइटेरिया, उनको इन्हीं चीज़ों के बारे में नहीं पता होता। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने अपनी स्किल्स पर काम नहीं किया होता। ठीक है, आपने अपनी स्किल्स पे काम करना होता है। ठीक है, अपनी स्किल्स को पॉलिश करने के लिए, स्किल्स को डेवलप करने के लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आपने एक आधा घंटा जो है ना वो आपने YouTube को देना है। ठीक है, आधे घंटे में अगर आप डेली का 1 घंटा जो है ना YouTube को दे देती हैं या आधा घंटा YouTube को दे देती हैं तो आपकी जो स्किल्स है ना वो आप के अंदर जो है वो पैदा हो जाएंगी। ठीक है, सिर्फ 10 दिन का अपने आप को टारगेट दें। ठीक है, कि 10 दिन में मैं जो है वो स्किल्स पे काम करूँगी। ठीक है, अगर आपके पास स्किल्स नहीं हैं और आप बगैर स्किल्स के जो है ना वो ऑनलाइन काम को स्टार्ट कर रही हैं तो आप कभी भी उस काम में कामयाब नहीं हो सकेंगी। ठीक है, क्योंकि हर चीज़ जो है ना वो स्किल्स मांगती है। ठीक है, अगर आप सेलिंग के बिज़नेस को ज्वाइन कर रही हैं तो उसके लिए आपके पास सेलिंग की स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है, आपका जो है ना स्पीकिंग स्टाइल अच्छा होना चाहिए। ठीक है, कि आप लोगों को कन्विंस कर सकें अपनी प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए, आप अपनी प्रोडक्ट को दिखा सकें लोगों को कि ये मेरे पास प्रोडक्ट है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। ये चीज़ अगर आपको बोलनी नहीं आ रही, ठीक है, तो डेफ़िनेटली आप सेलिंग नहीं कर सकती। जब आप सेलिंग नहीं कर सकती तो आप बिज़नेस में एंटर नहीं हो सकती। ठीक है, आप बिज़नेस तो ज्वाइन कर लेंगे लेकिन ज्वाइनिंग करने से आपको पैसे नहीं मिलेंगे, बल्कि आपको आपकी स्किल्स के ऊपर पैसे मिलेंगे। जितनी आप स्किल्स पे काम करेंगी, जितनी स्किल्स को जो है वो आप आगे जो है वो एक्सपेंड करेंगी, ठीक है, लोगों तक पहुंचाएंगी, ठीक है, लोगों को सिखाएंगी कि वो कैसे काम करें, तो ही जाके आपको कामयाबी मिल सकती है। ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए आपके पास 4 तरह की स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है, और वो 4 तरह की स्किल्स कौन सी हैं। नंबर 1 ये है कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, कि अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करने जा रही हैं तो आपको पता होना चाहिए कि बिज़नेस जो है वो कभी भी सेल के बगैर नहीं होता। ठीक है, अगर बिज़नेस करना है तो बिज़नेस में प्रोडक्ट को सेल ज़रूर करना पड़ेगा। ठीक है, आप अगर प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकती, ठीक है, तो आपको आपके लिए बिज़नेस करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, 1 चीज़ आ जाती है सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, कि आपने अपने अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस पैदा करना है कि आप लोगों के साथ अपनी प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन कर सकें, उनको बता सकें कि मेरी प्रोडक्ट क्यों ज़्यादा ज़रूरी है और जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं, जो लोकल चीज़ें हैं, वो ज़रूरी क्यों नहीं है। ठीक है, आप लोकल चीज़ों को क्यों छोड़ दें और मेरी प्रोडक्ट को क्यों यूज़ करें, ये बात आपको कन्वे करनी आनी चाहिए। ठीक है, आपकी जो स्पीकिंग स्टाइल है वो इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि हर बंदा जो है ना वो आपकी बात से इम्प्रेस हो जाए। ठीक है, बिज़नेस जब आपने करना है, ठीक है, और वो भी आप सेल का बिज़नेस कर रही हैं, ठीक है, प्रोडक्ट को आप सेल कर रही हैं और आपके पास जो है ना वो कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, आपको नहीं पता कि लोगों से कैसे बात करनी है, हर न्यू आने वाले बंदे से कैसे बात करनी है, उसको कैसे कन्विंस करना है। ठीक है, क्योंकि देखें जब आपके पास प्रोडक्ट होती है तो आपने लोगों को प्रोडक्ट दिखानी होती है। ठीक है, आप लोगों को प्रोडक्ट दिखाते हैं, उसका रिजल्ट दिखाते हैं, उसके रिव्यूज़ दिखाते हैं, ठीक है, तो ही जाके आपके पास प्रोडक्ट का ऑर्डर आता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये प्रोडक्ट है, ये मेरे पास प्रोडक्ट है। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट अगर मेरे पास नहीं होगी तो मैं कैसे इसको सेल करूँगी।
ठीक है, मैं इसको सेल नहीं कर सकती, ठीक है। अगर ये मेरे पास है, अगर ये मेरे पास नहीं है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास नहीं है और मैं इसको सेल करना चाहती हूँ, ठीक है। मैंने इसका स्टेटस लगा लिया, स्टेटस लगाने के 2-3 दिन मैंने इसका स्टेटस लगाया और उसके बाद जो है ना मैंने अपनी स्पॉन्सर से कह दिया कि मुझे तो ऑर्डर्स ही नहीं मिल रहे, ठीक है, जैसे कि आजकल लड़कियां करती हैं, ठीक है, कि स्टेटस लगा लेती हैं और फिर जब उनसे पूछा जाए नहीं मैम हमें ऑर्डर नहीं मिल रहे, ठीक है, हमें कोई भी ऑर्डर नहीं दे रहा क्योंकि हमारी किस्मत ही ख़राब है, ठीक है, वो इस तरह से आगे से कहती हैं। हालांकि उनको ये नहीं पता होता कि किस्मत हमने खुद बनानी होती है, ठीक है, किस्मत हमने खुद बनानी होती है अपनी मेहनत से, अपनी कोशिश से, ठीक है। अब ये है कि अगर मेरे पास प्रोडक्ट नहीं है और मैं उसका जो है ना स्टेटस लगा रही हूँ तो डेफिनेटली लोग मुझसे ऑर्डर नहीं करवाएंगे, ठीक है। आप अपने आप को जो है ना वहाँ पे रख के देखें लोगों की जगह पे, कि अगर लोगों ने किसी प्रोडक्ट की पिक्चर लगाई हुई है तो क्या आप कभी उनसे ऑर्डर करवाएंगे? कभी नहीं करवाएंगे, ठीक है। अब अगर आपके पास जो है वो प्रोडक्ट है घर पे, ठीक है, जैसे मेरे पास ये प्रोडक्ट है, ठीक है, मैं इसको स्टेटस पे लगा रही हूँ, लोग मुझसे ऑर्डर नहीं करवा रहे, ठीक है। अब मैं ये सोचूंगी कि मैं इसको ऐसा कौन सा तरीका होगा जिससे मैं इसको सेल कर सकती हूँ, ठीक है। मैं क्या करूँगी कि मैंने इसका छोटा सा जो है वो ट्यूटोरियल बनाना है, ठीक है, इसके जो है वो रिव्यूज़ लोगों को दिखाने, ठीक है, बताना है कि ये किस तरह से यूज़ होता है और इसका क्या बेनिफिट है, इसको क्यों यूज़ करना चाहिए, ठीक है। जब मैं लोगों को बताऊँगी अपनी आवाज़ में तो लोग मेरी आवाज़ से ज़्यादा इंप्रेस होंगे, ठीक है, उन्हें पता चलेगा कि अच्छा इसको नॉलेज है, इसको पता है कि ये कैसे यूज़ होनी है, ठीक है। लोग फिर इसका जो ऑर्डर है वो मुझे जल्दी देंगे, ठीक है, बजाय इसके कि वो पिक्चर्स देख देख के मुझे इग्नोर करें और मैं बैठ के डिसअपॉइंट होती रहूँगी जी मेरी किस्मत ख़राब है। हालांकि किस्मत ख़राब नहीं है, मेरी जो मेहनत है उसमें कमी है, ठीक है, मैं कोशिश ही नहीं करी अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ होती है कि आपने अपने अंदर जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करना है, ठीक है। अगर आप ओरिफ्लेम के जॉइनर्स हैं, ठीक है, ब्रांड पार्टनर्स हैं या मैनेजर हैं या किसी भी लेवल पे हैं, ठीक है, आपके पास जो है ना वो सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना ज़रूरी है। ओरिफ्लेम आपको क्या देता है? लुक ग्रेट, हैव फन, मेक मनी, ठीक है, कि आपने जहाँ पे पैसे बनाने होते हैं आपने अच्छा दिखना होता है, ठीक है, और आपने जो है ना जहाँ पे फ़न करना है, ठीक है। अब लुक ग्रेट की बात कर लेते हैं कि अगर मेरे पास ये प्रोडक्ट है, ठीक है, और मैं इसको यूज़ ही नहीं कर रही, ठीक है, मेरे जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा जो है ना मुझे इसकी ज़रूरत है, ठीक है, मुझे स्वेटिंग आ रही है, स्मेल आ रही है मुझसे, ठीक है, लेकिन मेरे पास प्रोडक्ट है और मैंने ये रखी हुई है कि मैं सिर्फ इसको सेल ही करूँगी, मैंने खुद यूज़ नहीं करनी इसको, ठीक है। अगर मैं खुद यूज़ नहीं करूँगी, सिर्फ मैं इसको सेल करूँगी तो मेरे पास कस्टमर नहीं आएंगे, ठीक है। इस चीज़ का भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना आपके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है आपके बिज़नेस पे कि आप प्रोडक्ट को खुद यूज़ कर ही नहीं रहे, ठीक है। अगर आप खुद भी इसको यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है, आपके अंदर सेल्फ जो है वो कॉन्फिडेंस होगा कि वाकई मेरी प्रोडक्ट अच्छी है, क्योंकि खुद यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से पता चल जाएगा, ठीक है। जब आप खुद यूज़ करेंगे इसको, ठीक है, आप लोगों से बात करेंगे, उनको अच्छे तरीके से कन्विंस कर सकेंगे, ठीक है, आप अगर अपने साथ टीम को ज्वाइन करवाना चाह रहे हैं तो आप टीम को भी यही चीज़ सिखाएंगे कि प्रोडक्ट मेरे पास है, आप एक प्रोडक्ट जो है ना अपने लिए घर पर मंगवा लें, ठीक है, और उसके बाद जो है वो आप उसको सेल करें, आपके आसानी से सेल हो जाएगी। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जो एंटर होते हैं, ठीक है, ओरिफ्लेम में, उनको ऑर्डर्स आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। जब उनको ऑर्डर्स आते हैं, ठीक है, तो हम लोग फिर उनसे ये काम करवाते हैं कि आप प्रॉफिट कमाएं, ठीक है, और उस प्रॉफिट से अपने लिए प्रोडक्ट मंगवाएं, मतलब उनको वहाँ पे भी जो है ना वो पैसे नहीं लगाने पड़ते, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ ज़रूरी है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस का आपके अंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, आप लोगों से बात नहीं कर सकते, आप ऑफलाइन लोगों से बात नहीं कर सकते, आपके घर में कोई आ गया है तो आप छुप रही हैं, आप शर्मा रही हैं कि मैं कैसे बात करूँ, कैसे इनको कन्विंस करूं, कैसे जो है मैं अपनी प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करूं, आपके पास प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं है, आपको नहीं पता कि इसके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, इसमें क्या शामिल है, ये क्यों ज़रूरी है, तो आप कभी भी प्रोडक्ट्स को सेल नहीं कर सकती। जब आप प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकती तो फिर आप बिज़नेस नहीं कर सकती, ठीक है। फिर आप यही होगा कि 2-3 माह के बाद या 2-4-5-6 माह के बाद जो है ना वो आप बिज़नेस को छोड़ के चली जाएंगी कि जहाँ पे जो है ना वो अर्निंग नहीं है। हालांकि ये बात नहीं है, बात ये है कि आपके अंदर जो है ना वो इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप ये काम कर सकें, ठीक है। आपने अपने आप को इस काबिल नहीं बनाया कि आप यहाँ पे बाकी लोगों की तरह प्रोडक्ट्स को सेल कर सकें और बिजनेस में अपना नाम बना सकें। सेकंड चीज़ आ जाती है स्पीकिंग एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, कि आपने स्पीकिंग एंड कम्युनिकेशन पे आपको काम करना चाहिए, ठीक है, और आपकी स्पीकिंग एंड कम्युनिकेशन की वजह से ही आप बिज़नेस में ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि अक्सर जो है वो जब हम किसी को कॉल कर रहे होते हैं, ठीक है, तो आगे जो है ना एक कंप्यूटर बोल रहे होते हैं, ठीक है, जिसमें वो हमें बता रही होती है कि जी आपका मतलूबा नंबर जो है ना वो किसी के इस्तेमाल में नहीं है, ठीक है, या आपका मतलूबा नंबर बिजी है, मसरूफ़ है, ये वो, ठीक है, मतलब काफ़ी इस तरह से। जब हम ऑरेंज ट्रेन पे जो है ना वो ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पे एक जो है ना वो आवाज़ हमें आ रही होती है कि जी अगला स्टेशन ये और अगला स्टेशन वो, ठीक है, कभी मतलब इस तरह से जो है ना काफ़ी कोरोना के दिनों में भी काफ़ी ऐसी जो ट्यून्स वगैरह लगती थी, ठीक है, उनमें बताया जाता था कि जी कोविड आ रहा है तो आपको ये एहतियात करनी चाहिए, ये वो, ठीक है। बताने का मकसद ये है कि अक्सर जो है ना वो लड़कियों की आवाज़ को ही प्रेफर किया जाता है, ठीक है, लड़कियों की आवाज़ को तरजीह दी जाती है कि जी लड़कियां जो है ना वो अच्छे तरीके से लोगों को कन्विंस कर सकती हैं। आपने अक्सर देखा होगा शॉपिंग मॉल में, ठीक है,
ज़्यादातर जो है ना वो लड़कियाँ होती हैं, ठीक है। लड़कियों को उन्होंने आगे किया होता है कि ये लोगों को जो है वो अच्छे तरीके से कन्विंस करें, ठीक है, और लोगों को ये हैंडल करें, ठीक है। तो लड़कियों का इस वजह से कहा जाता है क्योंकि लड़कियां जो है होती हैं ना वो अच्छे तरीके से बात करती हैं, ठीक है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, ठीक है। तो आपने भी हमेशा अपनी जो स्किल्स हैं उस पर काम करना होता है, अच्छे तरीके से आपने लोगों से बात करनी है, ठीक है, अच्छे तरीके से आप लोगों को कन्विंस करें अपनी जॉब, अपने बिजनेस में एंटर होने के लिए, ठीक है, अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, ताकि लोग आपकी कम्युनिकेशन से इम्प्रेस होकर आपको ज्वाइन करें, ठीक है। तो इस तरह से ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है अपने बिजनेस को रन करने के लिए कि आपका कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन आपकी कैसी है, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ है कि जब आप कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप ओरिफ्लेम का बिज़नेस कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास कोई कस्टमर आती है किसी प्रोडक्ट के बारे में पूछने के लिए, ठीक है, आप उसको जो है वो पूरी डिटेल बताते हैं, उसके बेनिफिट्स, उसके रिव्यूज़, उसके जो है वो फीचर्स, ठीक है, हर चीज़ के बारे में आप उसको गाइड करते हैं, ठीक है। एंड पे वो आपको कहती है कि नहीं जी मैंने नहीं ये प्रोडक्ट परचेज करनी, मैं कल करूँगी, परसों करूँगी, एक माह के बाद करूँगी, कुछ भी आपको कह के टाल मटोल करके चली जाती है, ठीक है। अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, ठीक है, तो आप उसको जो है ना वो अच्छे तरीके से आप उसको अलविदा कह सकती हैं, ठीक है। अगर नहीं तो फिर आप उसे बदतमीजी करेंगी कि जी आपने इतना मेरा टाइम वेस्ट करवा दिया, ठीक है, ये वो, ठीक है। अगर आप इस तरह से करेंगी तो डेफिनेटली आप बिज़नेस में नाम नहीं बना सकते, ठीक है। आपने हर चीज़ को जो है वो सेक्रीफाइस करना होता है, ठीक है, आपने जो है वो सब्र करना होता है, शुक्र करना होता है, ठीक है। आपने लोगों की बातें सुनी है, आपने टीम की बातें सुननी होती हैं, आपने कस्टमर्स की बातें सुननी होती हैं, ये सारी चीज़ें कर गुजरने के बाद जो है ना फिर आप अपना। अच्छा जी, तीसरी चीज़ आ जाती है हमारी एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, कि हमारी एडवर्टाइजमेंट इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि हम बिज़नेस में ग्रो कर सकें। अगर हम बिज़नेस में ग्रो नहीं कर रहे तो इसका मतलब यही है कि हमारी एडवर्टाइजमेंट ख़राब है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि सिर्फ स्टेटस लगा लेते हैं, और वो भी इधर उधर से स्टेटस उठा के, ठीक है, कहीं स्पॉन्सर ने दे दिया, मैनेजर ने दे दिया, ग्रुप से मिल गया, ठीक है, कहीं किसी के पेज से जाके स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। इस तरह से करके जब हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो डेफिनेटली लोग हमें फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है, ना ही फॉलो करेंगे, ना ही जो है वो हमारी टीम में शामिल होंगे, और ना ही हमें हमारी प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, ठीक है। आपकी एडवर्टाइजमेंट जो है ना वो ऐसी प्रोफेशनल होनी चाहिए, ठीक है, कि आपको लोगों को पता चले कि वाकई ये बंदी कोई काम कर रही है, ठीक है। आपने जो फेमस ब्लॉगर्स हैं, ठीक है, या फिर जो फेमस पेजेस होते हैं, ठीक है, कपड़ों के पेजेस हो गए, या फिर कोई ज्वेलरी के हो गए, ठीक है, या फिर किसी बिजनेस के हो गए, उन लोगों के जाके पेजेस चेक करें कि वो किस तरह से जो है वो अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट कैसे कर रहे हैं। टिकटॉक पे उनका अकाउंट देखें, स्नैपचैट पे जाके देखें, स्नैप वीडियो पे देखें, यूट्यूब पे देखें, हर जगह पे जो है ना वो आप जाके उनको सर्च कर सकती हैं, इंस्टाग्राम पे देखें, ठीक है। उसके बाद जैसे वो काम कर रहे हैं सेम आप भी उसी तरह से काम करें, ठीक है। आप भी अपने काम को प्रोफेशनल बनाएं, अपनी एडवर्टाइजमेंट को प्रोफेशनल बनाएं, ठीक है। आपने अगर कोई कोर्स नहीं किया हुआ, ठीक है, अगर आपने कोई पैसे नहीं लगाए हुआ अपने ऊपर, ठीक है, तो कोई मसला नहीं है, आप ऑफलाइन भी काम कर सकती हैं, ठीक है। ऑफलाइन का मतलब है कि आप विदाउट इन्वेस्टमेंट भी काम कर सकती हैं, ठीक है। आपके पास जो है ना वो आजकल यूट्यूब है, गूगल है, वहाँ से आप जाके सीखें कि आप किस तरह से अच्छी एडवर्टाइजमेंट कर सकती हैं, आप अपनी प्रोडक्ट को कितने अच्छे तरीके से जो है वो डिस्प्ले कर सकती हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि अक्सर हम लोग बाज़ार जाते हैं तो वहाँ पे दो तरह की जो है ना वो शॉप्स होती हैं, ठीक है। एक शॉप ऐसी होती है जो कि बिल्कुल उन्होंने कोई चीज़ डिस्प्ले नहीं की होती, ठीक है, मतलब डिस्प्ले अगर की भी हुई है तो कुछ ऐसी चीज़ें की हुई हैं जिनको देख के ही हमारा दिल नहीं कर रहा होता कि हम जहाँ पे जाएँ या हम लोग कुछ यहाँ से ख़रीदें, ठीक है। एक दूसरी जो शॉप है उसी के अपोजिट साइड पर, वहाँ पर उन लोगों ने काफ़ी अच्छी लाइटनिंग की हुई है, ठीक है। उसके बाद यह है कि वहाँ पे जो है ना उन्होंने अच्छी चीज़ें जो है ना वो डिस्प्ले में लगाई हुई हैं, ठीक है। उनकी जो कन्विंसिंग स्टाइल है बहुत अच्छा है, ठीक है, वो लोगों को कन्विंस कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट की तरफ। इस तरह से वो चीज़ देख के ना हम लोग वहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं और वहाँ पे जाके हम उनसे शॉपिंग करते हैं, ठीक है। तो ये तरीका होता है कि आप अपनी प्रोडक्ट को किस तरह से एडवर्टाइज़ कर रहे हैं। आपके एडवर्टाइजिंग का जो तरीका है ना वो प्रोफेशनल होना चाहिए, ठीक है। अगर आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं लेकिन वो प्रोफेशनल नहीं है तो बेशक आप अपना टाइम वेस्ट करते रहें, उसका किसी के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा, ठीक है। अगर असर हो रहा है तो वो आपके ऊपर हो रहा है और आपका जो टाइम है वो वेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो अगर आज ही जाके आपने अपने काम को देखना है कि क्या मैं वाकई प्रोफेशनल काम कर रही हूँ या नहीं कर रही, अगर नहीं कर रही तो अभी से लेके स्टार्ट कर लें क्योंकि अभी भी देर नहीं हुई है, ठीक है। अभी भी आप अपने काम को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। आपकी ब्रांडिंग, ठीक है,
कि आपने मार्केट में अपना नाम बनाना है, ठीक है। आप मार्केट में अपना नाम बनाएंगे तो ही लोग आपको ज्वाइन करेंगे और तो ही आपका जो है वो बिज़नेस आगे ग्रो करेगा। अगर आपका बिज़नेस ग्रो नहीं करा तो इसका मतलब यही है कि आप ब्रांडिंग नहीं कर रहे। ब्रांडिंग में सबसे पहली चीज़ होती है कि अपने आप को पॉलिश करना, ठीक है, अपने आप को ब्यूटीफुल दिखाना, ठीक है। आप ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आपकी जो स्किन है वो भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। आपके स्किन पे फ्रैकल्स नहीं होने चाहिए, आपकी स्किन पे जो है वो पिगमेंटेशन नहीं होनी चाहिए, आपकी स्किन पे एक्ने नहीं होनी चाहिए, आपकी जो स्किन है वो ब्लैक हेड्स नहीं होने चाहिए, ओपन पोर्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। आपका आप जो भी मेकअप यूज़ करिए वो आप अपने ब्रांड का यूज़ करें, आप घर पर जो चीज़ें यूज़ करिए वो आप अपने ब्रांड की यूज़ करें। पहले आपने अपने ब्रांड को स्विच करना है, ठीक है। आपका ब्रांड जो है ना वो आपके नाम से पहचाना जाएगा, ठीक है। लोग ओरिफ्लेम को नहीं जानते, लोग आपको जानते हैं। जब आप अपने आप को चेंज करेंगी आपका जो बिज़नेस है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लोग ये मिस्टेक लड़कियाँ कर रही होती हैं कि वो शैम्पू जो है वो सनसिल्क यूज़ करती हैं, ठीक है, उसके बाद सनब्लॉक जो है वो किसी और कंपनी का यूज़ करती हैं जो लोकल होती है, सबसे सस्ती वाली कंपनी, ठीक है, कंपनी नहीं बल्कि सबसे सस्ती वाली प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद लिपस्टिक कोई यूज़ कर रही होती हैं, कोई कुछ यूज़ करती हैं, और स्टेटस स्टोरी जो है ना वो लगा रही होती हैं कि जी ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स को परचेज़ करें तो आपको ये बेनिफिट होगा, वो बेनिफिट होगा, ठीक है। लोग आपको तब जो है वो आपके कस्टमर बनते हैं जब वो आपके अंदर जो है वो चेंज देखते हैं, ठीक है। जब वो आपको देखते हैं आपके फेस पे फ्रैकल्स नहीं है, आपके स्किन पे बहुत नीट एंड क्लीन है, ठीक है, फुल आपकी स्किन जो है वो चमक रही है, ठीक है, आपके बाल जो है वो अच्छे हैं, ठीक है, सिल्की हो गए हैं, पहले से जो है वो ग्रोथ हो रही है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जब लोग देखते हैं ना आपके अंदर, तब लोग फिर आपसे वो चीज़ें परचेज करते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट ना होती, ठीक है, तो मैं इसको कभी भी सेल ना कर पाती, ठीक है। अब मेरे पास ये पड़ी हुई है घर पे, ठीक है, बल्कि इसका ऑर्डर भी आ चुका है। लड़की जो कस्टमर है मेरी, उसने कहा था कि वो खुद आके घर से पिक करेगी, ठीक है। अब यह है कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास घर पे ना होती, ठीक है, तो मैं इसको कभी भी सेल ना कर पाती, ठीक है। जाहिर सी बात है, ये मेरे पास है, मैं इसका रिव्यू बना रही हूँ, इसका ट्यूटोरियल बना के स्टेटस पे लगाती हूँ, स्टोरी पे लगाती हूँ, तब लोग जो है ना वो मुझसे ऑर्डर करवाते हैं, ठीक है। डेफिनेटली हम लोगों के घरों में जाके सेल नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि हम इसकी मार्केटिंग अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। जब आप किसी प्रोडक्ट की पिक्चर जो है वो स्टेटस पे लगाते हैं, तो आप लोग ये चीज़ माइंड में रखें कि आजकल का जो दौर है ना वो ये स्टेटस स्टोरी वाला दौर चला गया है, ठीक है, कि लोग पिक्चर देके आपके आपसे ऑर्डर करवाएं। अब लोग जब लाइव चीज़ों पे यकीन रखते हैं, ठीक है, जब वो लाइव चीज़ देखते हैं फिर ही वो आपसे ऑर्डर करवाते हैं, जब वो लाइव रिजल्ट देखते हैं फिर ही वो आपसे ऑर्डर करवाते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि आपसे जेलस होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने एक स्टेटस लगाया हुआ है, ठीक है, इसी प्रोडक्ट का, चले आपने स्टेटस पिक्चर लगाई हुई है, ठीक है, ये आपके घर में नहीं है लेकिन आपने वैसे इसकी पिक्चर लगा ली है और आपने इसकी जो प्राइस है वो दी हुई है 800, ठीक है, कि 800 में आप इसको परचेज़ करें फ्री डीसी के साथ, ठीक है। अब जो लोग आपसे जलते हैं ना वो कभी भी आपसे ऑर्डर नहीं करवाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि ये बिज़नेस कर रही है और इसने थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो अपना ज़रूर रखा होगा इसमें, ठीक है, मैं इसका ऑर्डर क्यों करवाऊँ, हालांकि उनको पता है कि इसको इसकी जो है ना उनको ज़रूरत है, ठीक है, और वो इसको मतलब परचेज़ करना चाहते हैं, लेकिन वो आपसे परचेज़ नहीं करेंगे क्योंकि उनको लग रहा होगा कि ये बिज़नेस कर रही है, थोड़ा बहुत इसने प्रॉफिट रखा होगा, ठीक है, इसका फ़ायदा हो रहा है तो मैं इसका फ़ायदा क्यों करूँ, ठीक है। कुछ लोग इस वजह से भी आपसे जेलस होकर जो है ना वो आपसे ऑर्डर नहीं करवाते। अब आपने क्या करना है कि आपने उन्हीं लोगों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना कि वही आपसे ऑर्डर करवाएंगे। पूरी पाकिस्तान में जो है ना 22 करोड़ आवाम है, आप उन लोगों में से सर्च करें कि ऐसे कौन से लोग होंगे जो आपके व्हाट्सएप पे होंगे, जो आपका स्टेटस देखेंगे, जो आपसे प्रोडक्ट्स को परचेज़ करेंगे, ठीक है। ये चीज़ जो है ना जब आपके माइंड में आ जाएगी, ठीक है, जब आप इस चीज़ से बाहर निकल आएंगे, ठीक है, कि जो लोग आपसे ऑर्डर नहीं करवाते, जो लोग आपको इग्नोर करते हैं, जो आपका स्टेटस इग्नोर करते हैं, ठीक है, जो आपकी बातों को इग्नोर करते हैं, ठीक है, उनके ऊपर आप काम ना करें, ठीक है। अगर आप उनके ऊपर काम ना करें तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम जो है ना वो बच सकता है, ठीक है। आप उसको फिर उस टाइम को फिर आप किसी और लोगों पे जो है वो यूटिलाइज करें तो आपको वहाँ से ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है, आपका टाइम भी बच जाएगा और आपका काम भी जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगा और आगे आप ग्रो कर जाएंगे। अच्छा जी, आगे जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, ठीक है, वो ये है कि आपकी अनेस्टी, ठीक है, आपकी अनेस्टी जो है ना वो आपको आगे लेकर जाती है। अगर आप बिज़नेस में काम कर रहे हैं, अगर आप मार्केट में इन हैं, एक्टिव हैं, तो आपको अपनी अनेस्टी जो है ना वो आपने लोगों को दिखानी होती है, ठीक है। आपने हमेशा ईमानदारी से काम लेना होता है, ठीक है, आपने कभी झूठ के सहारे जो है ना वो आपने काम नहीं करना, क्योंकि झूठ के सहारे जो काम करते हैं ना उनकी इतनी लंबी लाइफ नहीं होती, ठीक है, उनकी जो ज़िंदगी है वो बिज़नेस में बहुत कम होती है, ठीक है, वो बहुत जल्दी जो है ना वो बिज़नेस से कट ऑफ कर जाते हैं अगर वो झूठ के सहारे जो है वो काम कर रहे होते हैं, ठीक है। देखें झूठ इस तरह से कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्रोडक्ट है, ठीक है, ये प्रोडक्ट है, ठीक है, मैंने इसको यूज़ किया, मुझे इसका रिज़ल्ट नहीं मिला,
ठीक है, मुझे रिजल्ट नहीं मिला लेकिन मैं चाह रही हूँ कि ये, मुझे तो रिजल्ट नहीं मिला, मुझे फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन मैं चाह रही हूँ मैं इसको किसी तरह से सेल कर लूँ, अगले लोगों को दे दूँ। ठीक है, ये होती है झूठ। ठीक है ना, ये झूठ है कि आप अगला बंदा पूछ रहा है लेकिन आप उसको इसके बेनिफिट्स बता रहे हैं। ठीक है, आप उसको जो है वो कन्विंस कर रहे हैं कि वो ये किसी तरह से सेल कर ले, हालांकि आपको खुद रिजल्ट नहीं मिला हुआ और आपको पता है कि ये जो प्रोडक्ट है ये आपको सूट नहीं किया है। ठीक है, आपको जो चीज़ सूट करे आप वो चीज़ आगे रिकमेंड करें। ठीक है, आपको जो चीज़ सूट करेगी, ठीक है, आप आगे रिकमेंड करेंगी, आप उसके कस्टमर बनाएंगी, आपके कस्टमर भी आपसे खुश होंगे। ठीक है, कि वाकई यार आपने बहुत अच्छी चीज़ जो है ना वो आपने हमें रिकमेंड की है। अगर आपको शैम्पू यूज़ कर रही हैं, ठीक है, और वो शैम्पू जो है ना वो आपके बालों पर सूट नहीं किया, ठीक है, आपका हेयर फॉल स्टार्ट हो गया या कोई भी इशू हो गया, ठीक है, अब आपने ये बात अगर कस्टमर को नहीं बताएंगे, ठीक है, कि ये वाला शैम्पू मैं आपको नहीं दूंगी बल्कि ये वाला दूंगी क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा है, वो ज़्यादा अच्छा नहीं है क्योंकि उससे मुझे हेयर फॉल हुआ था, क्या पता आपको भी हेयर फॉल हो जाए, जब आप ये बात करेंगी ना कस्टमर से तो यकीन माने वो कस्टमर आपके लॉन्ग लास्टिंग के लिए कस्टमर बन जाएंगे। ठीक है, वो हमेशा आपकी रिकमेंडेशन के बगैर कहीं और से रिकमेंडेशन नहीं लेंगे क्योंकि उन्हें पता होगा कि ये जो बंदी है ये जो है वो एक अनेस्ट बंदी है। ठीक है, और ये कभी गलत चीज़ें रिकमेंड नहीं करती। ठीक है, अपने बिजनेस में अगर किसी को एंटर करना है तो भी सच्चाई से लेके एंटर करें, झूठ के सहारे जो है ना वो काम ना करें। ठीक है, अगर आप मार्केटिंग में ग्रो करना चाहते हैं, मार्केट में ग्रो करना चाहते हैं, ठीक है, ऑनलाइन बिजनेस में ग्रो करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सच्चाई का जो दामन है वो नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, आपको किसी प्रोडक्ट से जो है वो मसला हो रहा है, ठीक है, डेफिनेटली आपको प्रोडक्ट से मसला तब होता है जब आप अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग वो चीज़ नहीं लेते। ठीक है, या आप वैसे ही जो है ना वो चीज़ें मंगवा लेते हैं, घर पे यूज़ करते हैं, आपको रिजल्ट नहीं मिलता, तो इस वजह से जो है ना वो आपकी जो है वो स्किन पे सूट नहीं करती प्रोडक्ट। ठीक है, अगर आप अच्छी रिकमेंडेशन लेके प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपको 100% जो है वो रिजल्ट भी मिलेगा और आपको फ़ायदा भी होगा। ठीक है, जब आप अच्छी रिकमेंडेशन लेंगे, अच्छी रिकमेंडेशन देंगे, तो आपका जो बिज़नेस है वो लॉन्ग लास्टिंग के लिए चलेगा। ठीक है, चलें जी हम लोग आते हैं कंक्लूजन की तरफ। ठीक है, कि आज हमने क्या सीखा, आज मैंने आपको ये चीज़ सिखाई है कि आप अपने टाइम टेबल को जो है वो किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड चीज़ आ जाती है कि आपने कौन सा बिज़नेस जो है वो ज्वाइन करना है, ये चीज़ आपने खुद सर्च करनी है। ठीक है, सर्चिंग के बाद ये है कि आपने डिसाइड करना है कि मैंने फलां बिज़नेस जो है वो ज्वाइन करना है और उस बिज़नेस के बारे में फिर आपने खुद यूट्यूब पे और गूगल पे सर्च करना है। ठीक है, सर्चिंग के बाद चौथा काम ये है कि आपने ये भी सर्च करना है कि आपने किसकी लाइन को ज्वाइन करना है। ठीक है, आपने उन लोगों को ज्वाइन करना है जो कि एक्टिव लोग होंगे। ठीक है, पाँचवीं चीज़ ये है कि आपने ज्वाइन तो कर लिया लेकिन ज्वाइनिंग के बाद आपने माइंडसेट ये बनाना है कि मैं 1.5-2 साल तक यहाँ पे काम करूँगी, मेहनत करूँगी, पैशनेट होकर काम करूँगी, ठीक है, कंसिस्टेंसी के साथ काम करूँगी तो ही मुझे फ़ायदा होगा। ठीक है, ये पांच चीज़ें जो है ना ये वाली मेजर हैं जो कि आपने करनी है। उसके बाद आपने छठी चीज़ ये है कि आपने स्किल्स पे काम करना है। ठीक है, स्किल्स में आ जाता है एक आपने कम्युनिकेशन पे काम करना है, एक आपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पे काम करना है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि आपने ब्रांडिंग पे काम करना है। ठीक है, आपने अपने ब्रांड को जो है वो स्विच करना है। उसके बाद आपने एडवर्टाइजमेंट पे काम करना है। ठीक है, कि आप एडवर्टाइजमेंट जो है वो किस तरीके से करेंगी। ठीक है, और जो लास्ट चीज़ है, अच्छा जी लास्ट चीज़ जो है ना वो मुझसे स्किप हो गई थी, मुझे याद नहीं आ रहा था कि क्या थी। ठीक है, तो लास्ट चीज़ जो है वो है कि आपकी अनेस्टी। ठीक है, कि आप अनेस्ट होकर काम करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, आज का जो सेशन है वो थोड़ा लेंथी तो है लेकिन उसमें यह है कि हर चीज़ जो है ना वो मैंने आपको गाइड कर दी है कि आप किस तरह से बिज़नेस को ज्वाइन कर सकते हैं और आप किस तरह से बिज़नेस में कामयाब हो सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं, अगर आपने अभी तक ओरिफ्लेम को या किसी भी बिज़नेस को ज्वाइन नहीं किया तो आप इस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है और आपकी ग्रोथ नहीं हो रही तो आपने किस तरह से अपने बिज़नेस की ग्रोथ करनी है, अपने आप की ग्रोथ करनी है। ठीक है, ये भी आप इस वीडियो से सीख सकते हैं। ठीक है, तो जो चीज़ें आपको अगर कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, या कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जो है ना मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उस पर एक और वीडियो जो है ना वो आपके साथ बना लूँगी और आपके साथ शेयर कर लूँगी। ठीक है, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर लें। ठीक है, और कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि आपको आपने कितना सीखा इस वीडियो से। ठीक है, और कितनी चीज़ें जो है ना वो आपको समझ में आई हैं। ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।